हमारी इस कहानी के पहले एपिसोड में आपने देखा कैसे कुमार अपने पड़ोस में रहने वाले तीनों शर्मा जी, वर्मा जी और गुप्ता जी की बची हुई आखिरी दारू की बोतल पर बाजी मार ही लेता है। वहीं कुमार की वाइफ रीमा लॉकडाउन के टाइम पर ऑनलाइन रेसिपी की पहली क्लास शुरू करने ही वाली थी, लेकिन उसका नसीब कुछ और ही था। उस रात सबने अपने अपने सपनों को चूर होते हुए देखा। अब आगे क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हो विनीता, तुझे पता है कल रीमा ने क्या किया? पूरे दिन 7 बजे ऑनलाइन शो का विंडोरा पीटती रही और 7, 8, 9 पूरी रात हो गई। कहीं पते नहीं थे रीमा की बच्ची के। पता चला मुझे आंटी, लाइट चली गई थी। लाइट तो एक बहाना है, उसे तो शेखी बगाड़ने की आदत है। खाना बगाड़ना उसके बस की बात कहा। अरे वैसे टाइम क्या हुआ है? रीमा अभी तक आई नहीं, रोज तो सबसे पहले टपक जाती है। पहले देख लो कहीं कान लगाकर सुन तो नहीं रही है वो। अच्छा आंटी, आपने सुना पुणे में आजकल लड़के लड़कियां एक ही घर में रह रहे हैं, ऊपर से लॉकडाउन, दिन भर न जाने क्या क्या करते होंगे। अच्छा सुनो, रीमा की लड़की रितु भी तो आजकल वही है ना? ओ भाभी, कुछ भी मत बोलो। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, वो भी तो बाहर ही है ना। वैसे भी आजकल यंग बच्चों का कितना ध्यान रखना पड़ता है, पर तू तो उसे डेली वीडियो कॉल करती होगी ना, है ना? वीडियो कॉल? लड़के और लड़कियां एक ही घर में? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। शहर में लड़की के बॉयफ्रेंड को कोरोना पॉजिटिव, अब पूरा परिवार क्वारंटाइन। नहीं सावधान, शहर में लड़की द्वारा अब तक तो 2 घरों में दिन दहाड़े मदद मांगने के बहाने बड़ी चोरी की वारदात की गई। नहीं नहीं, पेट्रोल के भाव में गिरावट से कॉरपोरेट को भी राहत, लेकिन कब तक? ओ भाभी, आज तो आपने बोल दिया, लेकिन आज के बाद मैं अपनी बेटी का नाम आपकी गंदी जुबान से ना सुनूं। अरे ये पंचायतियों को काम मुंह लगा रही है। चल छोड़, मुझे चाय की तलब लग रही है। बेटा प्लीज एक कप चाय बना दे, और हाँ अपने इस पंचायती के लिए भी चाय बना देना, वरना ये फिर शुरू हो जाए। जी पापा जी। और तू रुक क्यों गया? चल वापस पढ़ पिछली 3 लाइन से। लेकिन वो वीडियो कॉल के लिए मना क्यों करती है? यार ऐसा सपना आज तक नहीं आया मुझे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
उसकी सफेद सफेद आंखें अभी भी दिख रही है मुझे। अरे क्या है सपने को लेके बैठे हो यार, अब फटाफट तैयारी कर लो, किसी भी वक्त आदेश आ जाएगा हॉल में। लॉकडाउन खत्म, काम चालू। कितने दिन हो गए, अब ऑफिस में जाएंगे, सबसे मिलेंगे, बड़ा मजा आया है ना? तुम तो है ना, ऑफिस जाते थे स्टाफ को गले लगा लेना, दिन हो गए ना मिले हुए। ये लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है, वो अमेरिका के हाल देखे क्या है। It may work and it may not work. And I agree with the doctor what he said. May work, may not work. अरे अमेरिका की कहाँ बात कर रहे हो यार गुप्ता जी, अपने देश की बात करो। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है अपन, लेकिन फिर भी बाकी देशों की तुलना में बहुत कम केसेस है अपने यहाँ। अरे मूर्खों को कौन समझाए, अरे वो थाली बजाने से हुआ है, सारे देश के लोग एक साथ थाली बजाते ना तो कब तक कोरोना बस्त हो जाता। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक दिन तेरे को लेके डूबेगा। ओ चल जा अपना काम कर। भूतनी के पीछे से लाइट भी निकल रही है जैसा फिल्मों में होता है। ये आज सोएंगे नहीं अंकित, आज इनके लिए खाना मत बनाना, आज ये रात भर भूतनी के साथ डेट पर रहेंगे। भूतनी? अरे भैया सपने का भी कोई मतलब होता है, अभी ये बोलने जाऊंगा बोलेंगे बड़ा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपर, ठीक है नहीं बोलता। जा भाई अंकित, वो कुमार ही होगा साला, रोज नाक बन के दसने आ जाता है। अरे नहीं अंकित ऐसा मत कर, ऐसे तो वो रोज रोज आ जाएगा, कल का उसने पूरा दिन खराब किया है हमारा, तो उसको रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। वो एक काम कर, अंदर जा और एक बाल्टी पानी भर के लिया, फिर देखते हैं। क्यों वर्मा जी, और तीन बाल्टी पानी और ले अंकित, मजा चखा रहे थे। अरे एक नंबर यार। ला अंकित जल्दी ला बाल्टी जल्दी ला, जैसे बोलू दरवाजा खोल देना एक हफ्ते में, ठीक है? 1 2 3 गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। वो एक फोन करना था। क्यों? दो बार उठाया ना उनको, हम में से कोई सौदा करने वाला दिखता है? अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से। अब तुम्हें ले लो, 2 सेकंड में पार्टी बदल लोगे अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हारी फैमिली से बात करवाता हूं। ए तेरे को बोला ना अपना मुंह बंद रख। अच्छा सुन, हाँ अरे यार ये एड्स भी ना एकदम एंड टाइम ही था। वाह क्या खुशबू आ रही है, संदीप जल्दी लाना यार, भूख के कारण मैं तो मरे जा रही हूँ। जब जब टीवी में एड आता है ये मरने लगती है, वरना पूरे टाइम टीवी से चिपकी रहती है। मर क्यों नहीं जाती, फिर हम ना मस्त अकेले रहेंगे लॉकडाउन में। मरे तू और तेरा आशिक, आशिक नहीं
अरे तुम्हारा नाटक फिर चालू हो गया। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। हाँ माँ, क्या दिल में फोन लगा रही हो? इतनी अच्छी मूवी आ रही है, पता है? तू और तेरी पिक्चर है। अच्छा ये बता, तू कहाँ है अभी? कहाँ हूँ मतलब? हनीमून मनाने आई हूँ। क्या माँ, घर पे हो? बोलो क्या हुआ? ज्यादा बड़बड़ मत। अच्छा और तेरे घर में कौन कौन है अभी? कौन कौन है मतलब? मैं नंदिनी, बस। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सब ठीक है ना? अच्छा एक काम कर, मुझे ना तू अपना पूरा घर दिखा दे। ये क्या पागल बना? नहीं नहीं, अभी मैं मूवी देख रही हूँ, मैं आपको बाद में कॉल कर रही हूँ। फोन काट दिया, हे भगवान। हे भगवान, मम्मी को पूरा घर क्यों देखना है? कहीं मम्मी को संदीप के बारे में पता तो नहीं पड़ गया? नंदिनी, नंदिनी मैं क्या करूं? मैं तो मर जाऊंगी। अरे संदीप, संदीप, मैगी बनी कि नहीं यार? जी मैगी की पड़ी है। हे भगवान। संदीप तू एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला जा। मम्मी का फोन आ रहा है यार, वो भी वीडियो कॉल, उनको पूरा घर देखना है। अभी अभी कहां से जाऊंगा बाहर? तू पागल तो नहीं हो गई? ये देखे देख, फिर से फोन आ रहा है। क्या करूं? मैं मर जाऊंगा लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। नंदिनी तू एक काम कर, तू ये फोन उठा और बोलना कि मैं बाथरूम में गई हूँ और मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? कुमार, पापा जी, तू फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे भाग्यवान, दो पांच मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर बाद कॉल कर लो, बिजी होगी अभी वो। अरे अभी तो मेरी बात हुई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि कैमरा घुमा और घर दिखा दे मुझे, उतने में फोन कट गया उसका। कुछ तो गड़बड़ है पापा जी। लो आ गया फोन। हाँ आंटी, आपने फोन लगाया था? हाँ, फोन ऋतु को दे। आंटी वो वॉशरूम में है, अभी थोड़ी देर में फोन लगा देना। अरे अभी कब गए? अरे आंटी एक्चुअली उसका पेट गुड़ गुड़ कर रहा था काफी देर से, तो आंटी आप 10 मिनट में लगा लीजिएगा, तो मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा रुक, एक काम कर, जरा कैमरा घुमा और मुझे घर तो दिखा दे पूरा। जी आंटी। वैसे हुआ क्या आंटी? अरे बहुत हुआ ना, मुझे दे ये फोन, एक मिनट दे फोन। मेरी बेटी को परेशान मत कर और ना खुद परेशान हो, तू थोड़ी देर रुक जा, वो खुद फोन लगाएगी। संदीप मैं बोल रही थी कि तू थोड़ी देर के लिए वो लड़की बनेगा क्या? आपको तकलीफ हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं बस आपके लिए गर्मा गर्म चाय बन के आई रही। आप चाय के साथ बिस्किट या पकौड़े वगैरह कुछ लेंगी? अरे वर्मा जी का ढाबा है नीचे खुला हुआ, आप तो बोलिए बस, सब आ जाएगा। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, चाय पीजिए, आराम कीजिए, तब तक खाना भी बन रहा है, खाना भी खा लेना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? वो तो अच्छा हुआ कि
आपका मोबाइल पर्स में रखा था, वरना। वैसे आपने बताया नहीं कि आप किस काम से आई थी यहाँ? ओ हाँ, वो एक्चुअली ना मैं आप लोगों से शाम होने वाली है, कुमार ठीक होगा, अब ले बाल्टी भर के पानी। आप लोग सभी भी पानी डालते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये अंकित तो कुछ भी बोलता है। अरे तू यार देख दरवाजे पे कौन है। मैंने आपको कहीं, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? देखा देखा सा लग रहा है जी, पता नहीं शायद देखा। अरे रुको कुमार भाई रुको, एक बात बताने आया हूँ, फिर चले जाऊंगा मैं। शहर में एक लड़की घूम रही है, बेसहारा बनकर लोगों के घर में घुसती है और उनको बांध कर चंपक हो जाती है। जैसी लड़की आप कौन है शर्मा जी? ये आपने कह दिया ना कुमार जी, धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुमार, अभी आप जा सकते हैं। ये नमूना अगर यहाँ रुका तो मेरा प्लान चौपट हो सकता है। जा ना चिक्कू राम। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, पहले मेहमानों से कुछ बात तो कर लूँ। आपको जाना चाहिए, अगर सब इतना कह रहे हैं तो। अगर आप कहती है तो चलता हूँ। ठीक है क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं जी, आप बस ये इस पर चले जाइए। मैं मैंने इस लड़की को क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तू पागल हो गई है, मैं लड़की वड़की नहीं बनूंगा। तू फोन स्विच ऑफ कर दे और बोल देना कि फोन खराब हो गया है, ठीक है? प्लीज लड़की बन जा, मेरी माँ को तसल्ली हो जाएगी। अरे संदीप संदीप प्लीज कर लेना, वरना तेरे रितु का ना डे एंड हो जाएगा। देख कुछ नहीं करना है, ये ड्रेस पहन ले और सिर पे चुन्नी लगा लेना। और रितु हम इसकी मूंछों का क्या करेंगे? हटा लेगा, तू मुझे भी उड़ा ले। चुप कर, मुझे उड़ा ले, मैं नहीं बनूंगा लड़की वड़की। तुमको जो करना है कर लो, मैं लड़की वड़की नहीं बनूंगा। देख तू लड़की बन जा वरना। प्लीज बन जा संदीप लड़की, प्लीज बन जा। ये लड़के ना, ये लड़के होते ही ऐसे। फोन भी नहीं उठा रही मेरा, कुछ तो गड़बड़ी है पापा जी। हे भगवान, मेरी बेटी कब से ऐसी हो गई? अरे बाबा फोन कहीं रखा होगा, वो उसकी दोस्त का नंबर भी है ना, उस पर लगा ले। तू परेशान मत हो, वो ऐसा नहीं करेगी। इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, कैसा बेटा है ना पापा जी आपका। अच्छा मतलब सुबह से बेटी की किसी को चिंता नहीं थी, हैं? वो लड़के लड़कियों की बात क्या सुन ली, परेशान करके रखा है उसको। रुको नहीं फोन लगा। हाँ पापा, मेरी बेटी को किसी ने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं पापा, मम्मी है क्या अभी आपके साथ? हाँ बेटा मम्मी के साथ ही हूँ, सुबह से सर फटा जा रहा है उसका। तू एक बार उससे वीडियो कॉल पे बात कर ले बेटा, तसल्ली हो जाएगी उसको। हाँ पापा।
पापा वो उस टाइम मैं बाथरूम में गई थी ना, इसलिए कॉल नहीं कर पाई। मैं करती हूँ ना वीडियो कॉल। नहीं नहीं नहीं, तू मत लगा, मैं तुम्हें लगाता हूँ। अरे क्यों फालतू में बैलेंस बिगाड़ रही हो? देखा, एक बार में फोन उठा लिया मेरा उसने। मैं तो आज गई। मेरा नाम दीपा है, पहले संदीप था। आपकी प्रीति की दया दृष्टि से सब निकल गए मेरे मन से। सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन कर रही हूँ, ठीक है? ये लोग ना एक नंबर के झंडू हैं। मेरे ऊपर पानी डाल दिया यार। पानी डाल दिया? तू बस रेडी रहना, ठीक है? अरे उन तीनों से कहाँ परेशान हो गई तू? अरे वो निकालना अपने नकली रिवॉल्वर, कब काम आएगी? जले पर नमक छिड़कने, जले पर। जो भी है वो। लो बात कर लो, वीडियो कॉल है, जी भर के बात कर लेना, पूरी तसल्ली कर लेना, ओके? मैं अभी जरा बाहर जा रहा हूं। अरे मेरा मतलब है, मेरा कुछ रह गया है, मैं उसे लेकर आता हूं। कुछ लाने के लिए भी तू कपड़े बदल कर जाएगा? बेटा कुमार, तू कब सुधरेगा? याद आया, इस लड़की को मैंने आज सपने में ही देखा था, मतलब इसके जैसी थी वो लड़की। लड़की वो लड़की, जाकर देख उसे यार, कितनी देर हो गई वो अभी तक बाथरूम में है। कहीं वो सचमुच, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? भूतनी, मेरा मतलब चोर निकली तो। क्या आप लोग मुझे चोर समझ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप तो चोर हो ही नहीं सकते हो। आप तो चोर कहते हो? चलो सब हाथ ऊपर करके खड़े हो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर चीज आई ना, यही ठोक रहा है सबको। हाथ ऊपर करो। सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल संदीप, अच्छे से करना है एक्टिंग, मुझे मरवा मत देना। देख बेटा, तू अपनी माँ को गलत मत समझना, मैं तो बस तेरा ख्याल ही रख रही हूँ। आपने तो मेरे ख्याल की लगा ही लगा दी है मतलब? नहीं नहीं, मैं आपको घर दिखाती हूँ। हाँ हाँ, एक एक कोना दिखा देना, अच्छे से दिखा देना, और वो तेरे पीछे भी दिखा देना। ये देख, स्टडी। हेलो आंटी। हेलो बेटा, आप अपनी पढ़ाई करो। अच्छा, और सुन, जरा बिस्तर के नीचे भी दिखा देना। ये देख, एक एक चादर और गद्दा भी उठा के दिखा। हाँ दिखा दे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की तेरी चाल है। सीधे रस्ते की।
हेलो सुन, मैं बस 5 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ, तू गाड़ी तैयार रख। तो देख लिया आपने सारे कमरे, किचन, बाथरूम? हाँ, अरे सुन वो जरा स्टोर रूम तो दिखा दे अपना। वो नहीं नहीं उसमें तो कुछ नहीं, बस एक अलमारी है और थोड़ा बहुत आटा का पड़ा है। अरे तो क्या हुआ, लेके चल कैमरा वहाँ पर। जी ये कौन है? मम्मी काम वाली बाई है। काम वाली बाई? लेकिन तुम लोग तो अपना काम खुद करते हो ना, ये कब लगाई? हाँ वो भी 1 हफ्ते पहले ही लगाई है, हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हें दर्द होने लगा था? मेरी बात करा उसे। ये पति पत्नी एक बेटी के पीछे पड़ा है, दूसरा पड़ोसियों के पीछे, और ये कुमार पता नहीं टी शर्ट बदल कर कहां चला गया है। अरे लॉकडाउन का माहौल है, ऐसे में कुछ गड़बड़ी हो गई तो पुलिस सबको पकड़ कर ले जाएगी। सब जी जी माँ, दीपा ये लो मेरी माँ से बात करो। माँ मैं फोन अपने हाथ में ही पकड़ रहा हूँ, ये बात लॉकडाउन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मेरे पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तुम्हारा नाम क्या है, कब से काम कर रहे हो यहाँ, और ये चेहरा क्यों ढक कर रखा है? जी मैं कौन सा सवाल का जवाब पहले दूँ मैं? छोड़ो, तुम तो बस अपने चेहरे से ये दुपट्टा हटा दो, घर पे बांधने की क्या जरूरत है? जी माता जी। नहीं माँ क्या है ना, उसको कोरोना से बहुत डर लगता है ना, तो वो घर पर भी कपड़ा बांध कर रहा है। अरे दीपा जरा मेरे साथ यहाँ आकर काम करवा लो, थोड़ा खाना वाना बनवा लो। जी अरे दीपा एक मिनट रुको, जरा तुम अपने चेहरे से ये मास्क, अरे ये दुपट्टा तो हटा देना, मैं तुम्हारा चेहरा देख लूँ उसके बाद चली जाना। माता जी इस कॉलोनी में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे बताते हैं। अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं, हाँ बाय द वे आपने अपना नाम नहीं बताया। मत करो कोशिश, बस एक बार मैं निकल जाऊंगी फिर तुम सब आसाद हो जाओगे। चिंता मत करो, इस बंदूक से मैं तुम में से किसी को नहीं मारूं, और वैसे भी कोई ना कोई तो पट्टी खोलने आ ही जाएगा ना तुम लोगों की। अब कौन होगा? सालो तुमने कोई चालाकी तो नहीं की? अरे हटाओ कपड़ा अपने मुंह से, इतना क्यों शर्मा रही हो? क्या हटाओ कपड़ा मुंह से, सुन क्यों खड़ी हो, हटाओ कपड़ा मुंह से। ऋतु ऋतु तू कहाँ है, कहाँ खड़ी है तू? अरे बहुत देर हो गई, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, अरे दरवाजा तो खुला है और अंदर भी अंधेरा दिख रहा है। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, गुप्ता जी, मैडम, अरे इतना अंधेरा क्यों भाई? तू इतनी सुध क्यों खड़ी है? ऋतु ऋतु तू कहाँ है, कहाँ खड़ी है तू? Come on!
गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते। अंधेरा क्यों भाई? अरे ये क्या, ये किसने किया? आपको इसे बांधा किसने? पुलिस को फोन करूं? क्या? अरे क्या बोल रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीछे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ये जो संकट है अब जाने ही वाला है, पिछले दिनों में इसने हमको बहुत डराया, पर अब ये खत्म ही होने वाला है। डेंजरस वायरस है ये, इससे बचना सभी। खुले जो लॉकडाउन तो दूरी रखना सभी। मास्क और ग्लव्स को पहनना, अब तुम खुद ही संभलना। तभी तो ये सब कुछ नॉर्मल होना है, क्योंकि ये जो संकट है अब जाने वाला है। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज मुझे हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों इतनी सी है दिल की।